रख के ना, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा लेनी है ये पिन, ठीक है। बालों के साथ ना आपने दुपट्टे पे ये लगा लेनी है, तो बिल्कुल आपका जी सर से ऊपर ऊपर से ना दुपट्टा आपका उतरेगा नहीं, और यही है। और यहाँ कहीं इनको लेके जाती हूँ तो देखते हैं, लेकिन नामना ने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है कैटी खाला के घर जाने का। आप देखते हैं मेरा दिल्ला के मुकद्दस उधर गई हुई है, तो उसको ना लेके आएंगे। ये जो सेंटर वाला होता है ना, ये वाला गत्ता, ये जी इब्राहिम अब भरपूर पापा के पीछे लगा हुआ है कि भाई चले भाई बाहर चले ना, मेरा दिल्ला चाय शाय पी के ना, तो फिर ज़रा इनको लेके निकलती हूँ, ठीक है। ये जी ये इस तरह से करके मोड़ के ना सामान भी आ जाता है, ठीक हो गया। और फिर जब हम इसको करते हैं सीधा, तो इधर से भी आप कर सकते हैं, आगे वाली साइड से भी आप उठा कर, या पीछे से इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो ये फिर से हमारा जी बन जाता है सोफ़ा, ठीक है। और सुबह के टाइम पे जब घर में कोई नहीं होता है, सफाई वगैरह चारी होती है, तो इस तरह से मैं सोफ़ा बना लेती हूँ। इनको वाला एक बना दिए, एयर टाइट होते हैं और इनके अंदर ना निम्को ख़राब नहीं होती हैं। और ये जी अच्छे से वॉश करके मैंने एक दिन पहले रख दिए थे, और ये जी उसके बाद ये इसमें बिस्किट जो मैं लेकर आई थी वो भी बीच में डालें, और ये शक्कर वाला मैंने बना दिया, ठीक है। असल में अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज पूरा दिन हमारी लाइट नहीं थी, और ये शाम के टाइम पे लाइट आई है। और छोटा सा क्लिप मैं ऐसे करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ ना कि लाइट आई है, तो उसके बाद मैंने क्या क्या किया है। काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि आप ही आपने शिफॉन के दुपट्टे किए हुए होते हैं, लेकिन आपके सर से नहीं उतरता है, आप मतलब नॉर्मल चार फिर रही होती हैं, मुकद्दस ने भी किया हुआ होता है, आप कैसे इसे पिनअप करती हैं हमें बता दें। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुझे पहले कमेंट्स आते थे, अच्छा ये दुपट्टा मैं पिनअप करने जा रही थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं दुपट्टे को कैसे पिनअप करती हूँ। और आप जो कुछ मर्जी करते रहें, जितनी आप बाजार में जाएँ या आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ग्रोसरी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होता है कि ये ऐसे ऐसे ये वाला हाल नहीं होता है। तो जी सर के ऊपर इस तरह से दुपट्टा करके, तो एक जो पल्लू है ना ये यहाँ पे लगा के, यहाँ पे मैंने लगा लिया सेफ्टी पिन, थोड़ा सा नजदीक से दिखाऊं, ये देखिए ये यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया, और यहाँ से ये एरिया हो जाता है कवर, ठीक है। एक दफा इससे कवर हो जाता है, दूसरी दफा ये हमने यहाँ से दुपट्टा करना है सर पे, जितना आपने रखना है वहां से रख के, और ये वाला जो है ना आप इधर उधर ना आराम से देख लें, आपकी गर्दन मतलब कि ये ना एक जगह पे कट जाए, और ये वाले जो है ना यहाँ पे रख के ना, तो आपने जी सबसे पहले तो ये जो है ना बेबी पिन कहते हैं इसको ना, ब्लैक जो होती है इसको, या यहाँ पे अपने सर के ऊपर रख के ना, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा लेनी है ये पिन, ठीक है। बालों के साथ ना आपने दुपट्टे पे ये लगा लेनी है, तो बिल्कुल आपका जी सर से ऊपर ऊपर से ना दुपट्टा आपका उतरेगा नहीं, और यही है। और यहाँ पे रख के ना, तो यहाँ से आपने अपनी जो शर्ट है ना उसको पकड़ के ना, तो ये दुपट्टे को यहाँ से कर लेना है पिन। मैं डेली का ऐसे ही मैंने दुपट्टा अपना करके, तो सारे जो होते हैं घर के काम, जितनी मैंने शूटिंग करनी होती है इसी तरह से सेम जी मैं दुपट्टा करती हूँ। तो आप काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये भी आपको बता देती हूँ। तो अब जी बस आपके साथ छोटे छोटे ऐसे करती हूँ, सारे बाकी का क्लिप शेयर करती हूँ। और 8 बजे लाइट आई है, लाइट आती गई है तो फ़ौरन से मैंने पंखे वगैरह चलाए हैं, एसी चलाया, मोटर वगैरह चलाई है। यकीन करें कि सारा दिन ही आज हमारा ऐसे ही गुजर गया। और ये देखें अमना को अभी भी गर्मी लग रही है आज, इतनी मुश्किल से यकीन करें सारा दिन इनको वो हाथ जो हैंड फैन होता है उसके साथ हवा दे दे के मेरे तो बाजुओं में दर्द हो रही है। ये खूबसूरती देखनी है, इधर देख ले, माशाल्लाह बड़ा सब्र वाला है, इतना सारा दिन इसको गर्मी लगती रही है, लेकिन चुप करके लेटा रहा है और आके मेरे पास बैठ जाता था। ये जी मलक साहब यहाँ ज़रा जल्दी आ गए हैं, क्योंकि शॉप पे लाइट नहीं थी, इनका भी UPS वगैरह हर चीज़ बंद थी, तो जल्दी आ गए हैं, और आते गए तो लाइट भी आ गई थी। और मैंने बच्चों को तैयार किया कि ना इनको ऐसे करती हूँ कि प्राइम कैसे ले जाती हूँ, लेकिन वो अल्लाह किया कि लाइट आ गई। अब देखें अगर जाते हैं तो, या कि इनको लेके जाती हूँ तो देखते हैं, लेकिन नामना ने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है कैटी खाला के घर जाने का। आप देखते हैं मेरा दिल्ला के मुकद्दस उधर गई हुई है, तो उसको ना ले कर आएंगे, तो ज़रा ये उधर से चक्कर लगा लेगी, ठीक। इब्राहिम पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। और अम्मी जी नमाज पढ़ रही है, शुक्र लाइट आई है। ये देखें एसी चलाया तो उधर ही अम्मी नमाज पढ़ रही है, तो मैं आराम से नमाज पढ़ लूँ। अच्छा लाइट इसलिए नहीं ऑन करते हैं क्योंकि ये शरारती ना फिर आगे से गुजरता है अम्मी के ना, इसको पता नहीं चलता। तो अच्छा मैं आपको किचन में दिखा देती हूँ थोड़ा सारा, कि आज हेल्पर भी नहीं है, मुकद्दस भी नहीं है, तो साथ ही मैं शूटिंग भी कर रही हूँ, और साथ ही मैंने कहा इनको ना फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी थी, मैंने कहा इनको बना के दे देती हूँ, और चाय भी साथ में। ये देखें ना माशाल्लाह दो दफ़ा कट चुकी है, अब इसको बंद करने लगी हूँ। और ये जी दिन के टाइम पे मैंने बनाया हुआ थी, भिंडियाँ बनाई थी, अच्छा लाइट नहीं थी तो मैंने कहा इतनी देर में ऐसे करती हूँ कि खाने का काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो क्योंकि संडे वाले दिन हेल्पर नहीं ना आती हैं, तो मैं ना पहले एक दिन पहले ही ना सालन बना लेती हूँ, मतलब ये कीमा और आलू बनाया था मैंने साथ में, साथ में आज भिंडियाँ बनाई थी,
तो मैंने कहा चलें कल के लिए बिना सालन बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है हेल्पर नहीं आती है ना, फिर घर का भी काम करना होता है, चैनल का भी करना होता है, बच्चों का भी करना होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे इनके पेपर वगैरह भी हो रहे हैं, अब आज ये फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ और ये चाय वगैरह इनको डाल के देती हूँ ना, थोड़े से बर्तन हैं वॉश करने वाले, इनके फीडर वगैरह हैं रखे हुए, तो करके ना तो फिर आपके साथ ना बाकी का क्लिप शेयर करती हूँ मैं। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो जब गाड़ी में रखने होते हैं ना, तो मैं ना यहाँ से जैसे ना मतलब ये शॉपर के अंदर ही होता है, तो ये मैं ना निकालती नहीं हूँ। तो ये जो इसका ये सेंटर वाला होता है ना, जैसे देखें ये जो सेंटर वाला होता है ना, ये वाला गत्ता, ये जी इब्राहिम आप भरपूर पापा के पीछे लगा हुआ है कि भाई चलें भाई बाहर चले ना, मेरा दिल चाहे शायद पी के ना, तो फिर ज़रा इनको ले कर निकलती हूँ, ठीक है। ये जी ये इस तरह से करके मोड़ के ना, तो ये वाला ना गत्ता मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, और ये इसका शॉपर भी हमें नहीं उतारना पड़ता और ये के सेफ भी रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से गत्ता निकाल देना, तो यहाँ से ना आप ये टिश्यू जो होता है ना, ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप मतलब ये जैसे हमारा रोल होता है, इसके अंदर भी ये इसी तरह से आप डाल देना, इस तरह से, ये तो मैला वगैरह नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, और दूसरा ना आप आराम से ना मतलब टिशू बहुत आराम से ये निकलता है, मतलब जो हम सेटों पर डाला हुआ होता है ना, तो वैसे मतलब आड़ आड़ के और बड़ी मुश्किल से वो निकलता है, मतलब फाड़ते हुए ना आपको पता है ये वैसे ही इतने छोटे छोटे इसके पीस होते हैं, अच्छा निकाल रहे होते हैं ना, तो ऐसे निक्का सारा पीस टूट जाता है, फिर निक्का सारा पीस ये टूट रहा है, वो बड़े ना मैम मुझे ना वो उस चीज़ से नफरत आती है। ये बड़ी आराम से ये देखें जितना आप निकालते जाएंगे ना, ये बीच में से निकलता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कहा छोटे रेट रेट के आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, आप बस फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे और वो मैं एक दफ़ा उनको बना के दे लूँ, तो फिर जो बाकी के क्लिप है ना वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जी पास अब चाय पीने लगी थी और सभी ने फ्रेंच टोस्ट खा लिया है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आज तो अमना ने भी माशाल्लाह से 3 फ्रेंच टोस्ट खाए हैं, अल्लाह पाक नसीब करे इसे। और मलिक साहब आज जैसे कि सारा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल लाइट भी नहीं थी, और ये आए हैं तो अमना को छोड़ के तो चले गए थे, उन्होंने खाना भी नहीं था खाया, तो शाम के टाइम भी कह रहे थे कि मुझे ऐसे घबराहट हो गया, मेरा बिल्कुल रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा है, तो फिर जिनको वही फ्रेंच टोस्ट बना कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने खा लेते थे। अच्छा पूरी वो जो मैंने आपको ब्रेड दिखाई थी ना, वो सभी के सभी फ्रेंच टोस्ट बन गए थे माशाल्लाह से, 400-500 डाल के ना मैंने सभी के लिए वही बना दिए थे। तो मैंने कहा अगर किसी को भूख लगेगी तो फिर मैं बना लूँगी रोटी। फतेह से मैं लेकर आई थी ना बॉक्स, ये देखें इस तरह से ये मैंने निम्को वाला एक बना दिया, एयर टाइट होते हैं और इनके अंदर ना निम्को ख़राब नहीं होती हैं, और ये जी अच्छे से वॉश करके मैंने एक दिन पहले रख दिए थे, और ये जी उसके बाद ये इसमें बिस्किट जो मैं लेकर आई थी वो भी बीच में डालें, और ये शक्कर वाला मैंने बना दिया, ठीक है। असल में किचन में काफ़ी रश था, मैं काम कर रही थी वहाँ पे, तो मैंने कहा चले ये भी आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह के बॉक्स होना, बिस्किट भी नहीं ख़राब होते हैं, शक्कर भी नहीं ख़राब होती है, और साथ ही में ये जी निम्को भी नहीं ख़राब होती है। मेरे रूम में जो पड़ा हुआ है ब्राउन कलर का सोफ़ा कम बेड, ये वो है, मेरे घर में 2 सोफ़ा कम बेड है, ठीक है। और ये जी लेदर का है, ठीक है, इसका जो स्टफ़ है ना ये लेदर में है, ये देख लें इस कलर का, ये जैसे नज़र आ रहा है ना सेम यही इसका कलर है, और इस तरह से ये मतलब सोफ़ा बन जाता है, अगर आप बंद करते हैं इसे तो इस तरह से ये सोफ़ा मेरे रूम में पड़ा हुआ होता है, और जब इसको सीधा करना होता है तो मैं आपको ना ये जी इसके जो हैंडल है ना, इसको जब आप पकड़ के तो खींचते हैं तो ये जी बेड बन जाता है, जिस तरह से बन जाता है बेड, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ना अमूमन आपने देखा होगा एक मतलब कि स्किन से कलर के भी मैंने ऊपर कपड़ा खुद से सिलाई करके चढ़ाया हुआ होता है, और कभी ये जैसे कि के लिलियन का नाम मैंने 2 सीटर था उसका कवर कभी रेड कलर का ऊपर मैंने इसके ऊपर बिछाया होता है, ताकि ना ज़रा ये सेफ़ रहे और जो लेदर है ना इसकी ख़राब ना हो, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले ये मैंने लिया था, और ये इसकी जो प्राइस है ये मैंने 20,000 का लिया था, ठीक है, 2 साल पहले, उस टाइम कोविड था और कोई चीज़ मतलब वो करे ना के ऑप्शन में नहीं थी, बिल्कुल भी कोई भी सोफ़ा कम बेड मतलब नहीं था उस टाइम मुझे मेरा, तो ये फिर मुझे मिला था और ये मुझे पसंद आ गया था, और उस टाइम मैंने न्यू घर लिया था, और ये बाजी फाखरा ने ना मुझे पैसे दिए थे, वो बल्कि मेरे साथ थी तो ये मैं लेकर आई थी, ठीक है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो इस तरह से बेड बन जाता है, अच्छा आराम से, मलिक साहब ने भी सोना होता है सो जाते हैं, मुकदस सो जाती है, मैं सो जाती हूँ, बच्चों को सुलाना है उनको सुला लें, मतलब ईजीली ना बंदा यहाँ पर सो जाता है, और ये इतना हार्ड भी नहीं है, मतलब आराम से नींद आपको आ जाती है इसके ऊपर, ठीक है। सर्दियों में अमूमन आपने देखा होगा इसके ऊपर मैंने गद्दा सा जैसे तुलाई टाइप होती है वो भी बिछा लेती हूँ, ताकि ना थोड़ी सी लेदर आपको पता है सर्दियों में ठंडी लगती है,
तो ये इस तरह से ठीक है। अब इसको ना ओपन करके ना मैं नीचे से आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर स्पेस भी होती है, आप इसके अंदर चीज़ें भी रख सकते हैं। अच्छा, पूरी एक अलमारी का ना सामान आ जाता है, मतलब ये वाली साइड जितना मेरा हाथ है, ये वाली जो पूरी है ना, इसमें जितना सामान आएगा ना, बिल्कुल सेम इसके अंदर इतना सामान आ जाता है। ठीक, ये जी मैंने ऊपर उठाया तो ये जी इसके नीचे ये वाली पार्टीशन बनी हुई है, ये तीन खाने होते हैं इसके। आप ना यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से जो जो चीज़ आपने रखनी है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारी रात को ऊपर हम करके चादर वगैरह सोते हैं, ये मैंने वो रखी हुई है। ये जी जो मेरे रूम में बेडशीट वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मतलब बेड के ऊपर बिछाती हूँ, ये वो है। और ये जो है ये टॉवल वगैरह और जो एक्स्ट्रा जो जैसे कि फिटेड शीट वगैरह और इस तरह के जो कुशन वगैरह है ना, वो यहाँ पर मैंने रखे हुए होते हैं। ठीक है, आराम से ऊपर की और नीचे से जो चीज़ हमने उठानी होती है आराम से उठा लेते हैं, बार बार अलमारी भी नहीं खोलनी पड़ती है। और ये जी हम इस तरह से ना ये इस्तेमाल हो जाता है हमारा, मतलब एक अलमारी का इसमें ना हमारा सामान भी आ जाता है। ठीक हो गया। और फिर जब हम इसको करते हैं सीधा, तो इधर से भी आप कर सकते हैं, आगे वाली साइड से भी आप उठा कर या पीछे से इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो ये फिर से हमारा जी बन जाता है सोफ़ा। ठीक है, और सुबह के टाइम पे जब घर में कोई नहीं होता है, सफाई वगैरह चारी होती है, तो इस तरह से मैं सोफ़ा बना लेती हूँ। एक जी सेम इसी तरह का मेरा बाहर भी सोफ़ा कम बेड है, जो जहाँ पे अम्मी सोई हुई होती हैं या लेटी हुई होती हैं, बैठी होती हैं, मतलब वो भी वहाँ पे रखा हुआ है कि जब सोफ़ा बनाना हो, सोफ़ा बना के जब गेस्ट आते हैं, और वैसे हम बेड के तौर पर यूज़ करते हैं। आपको पता है कि मतलब नॉर्मल वो जो सिंगल बेड हैं वो अब इतने अच्छे नहीं लगते हैं देखने में भी और रखने में भी, तो ये है कि ज़रा ये यूनिक हो जाता है। वो मैंने 14,000 का लिया था, ठीक है, जो बाहर वाला है, और ये मैंने 20,000 का लिया क्योंकि उसको 5-6 साल हो गए हैं और ये मुझे 2 साल हुए हैं। ठीक है, तो चले मैंने प्राइसेस भी आपको बता रही हैं, यूजेस भी बता दी हैं कि इसको आप कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। कपड़े मैंने दे दिए हैं, उन्होंने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का टाइम मांगा है, शुक्र है अभी दे दिए हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। तो लेस भी जो जो मिली है ना सूट के साथ की वो भी लेके दे दी है, तो अब बस कपड़े हो जाएंगे शुक्र है। और बस सारे छोटे छोटे जो मैंने क्लिप शूट किए थे आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।